गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस क्लास आज की जो हमारी क्लास है वो फाइलम के अंदर लास्ट क्लास जो हमें पढ़नी है है इज उस पर होगी ठीक है? तो सबसे आसान जो क्लास आपको पढ़नी है दैट इज तो हम सभी जितने भी फीचर्स पढ़ेंगे वो सब हम अपने आप से रिलेट कर सकते हैं ठीक है तो देखते हैं क्लास मेमिलिया को अगर मैं बोलूँ की एक ऐसी क्लास जहां पर आपको मेमरी ग्लैंड दिखाई देंगे है ना और आप जानते हो मेमरी ग्लैंड क्या करते हैं मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं मिल्क का प्रोडक्शन मतलब कि एक ऐसा फ्लूएड जो

फ्रेश वाटर में भी दिखाई देंगे मरीन वाटर में भी दिखाई देंगे टेरिस्टल मतलब लैंड पर होंगे लैंड में भी वैरायटी ऑफ वहां पर आपको दिखाई देगा कुछ एयर में सर्वाइव कर रहे होंगे है ना कुछ लैंड पर होंगे कुछ ट्रीज पर आपको दिखाई देंगे जिनको आप आर्बोरियल बोलते हो ठीक है तो दीज आर डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ मैमल्स तो आप क्लासिकली अपने आसपास जितने भी एनिमल्स देखते हो देर ऑल इंक्लूडेड इन मैमल्स डन देखते हैं आगे और अगर मैं बोलूं कि जितने भी मैमल्स आप पढ़ते हो दे आर ऑल होमियोथर्म्स होमियोथर्म्स का मतलब है कि ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल तो पहले वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से थे तो देवर बर्ड्स और लास्ट इनके बाद जो आप पढ़ते हो दे आर कॉल्ड मैमल्स वार्म ब्लडेड नेचर का मतलब है कि ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी में अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस तो बाहर का टेम्परेचर जितना मर्जी वेरी हो जाए पर हमारा नॉर्मल सरकम के अंदर टेम्परेचर जो है दैट इज गोइंग टू रिमेन एट डिग्री सेल्सियस तो इसको बोलते हैं इज कॉल्ड टेम्परेचर रेगुलेशन तो आपको याद रखना है कि मैमल्स के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन प्रेजेंट है जिसकी वजह से दे आर कॉल्ड होमियोथम्स तो दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया मेमरी प्लांट हो गया होमियोथाम्स हो गए अच्छा याद रखना की जब भी आप पेयर्ड अपेंडेजेस की बात करते हो किसकी बात आपको करनी है पेयर्ड अपेंडेज की अगर आप बात करते हो तो मैमल्स के अंदर जो पेयर्ड अपेंडेजेस आपको दिखाई देते हैं तो दे आर लिम्स दे आर लिम्स और लिम्स हमेशा किसके लिए मॉडिफाइड होंगे तो दे आर फॉर वॉकिंग

इनफ्लेट और डीफ्लेट कराने वाला जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होगा दैट विल बी असल्ड डाया अगर आप डायाफ्राम को देखोगे तो वो सिर्फ मैम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और डायाफ्राम के लिए जब आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हो तो दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रेनिक मसल दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रेनिक मसल तो आपको याद रखना है फ्रेनिक मसल बोलो या डायफ्राम बोलो दोनों का मतलब सेम है तो ऑलवेज बर की ऑल मैमल्स आर हैविंग वेल डेवलप्ड लंग्स विद डायफ्राम तो ये हमने कुछ बेसिक कैरेक्टर फीचर देख लिए अब और देखते हैं डिटेल के अंदर और डिटेलिंग देखते हैं इसकी फिर अगला हमें क्या पढ़ना है अब हम पर्टिकुलर चीजों पर आ गए हैं पर्टिकुलर चीजों पर जब हम आ गए हैं तो हम और चीजें देख लेते हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना है इनका स्किन देखना है।, तो स्किन देखना है तो स्किन देख लेते हैं स्किन जब भी आप पढ़ते हो तो स्किन वहां पर लिखा होता है कि स्किन प्रोजेसिस हेयर स्वेट ग्लैंड क्लैंडियस ग्लैंड एटसेट्रा तो आपको पता ही है कि स्किन पर आपको बहुत सारे हेयर दिखाई देंगे तो हेयर की बात आप कर रहे हो तो वो आपको यहां पर दिखाई देंगे स्वेट क्लांट मैंने आपको बता दिया तो स्वेट का प्रोडक्शन करते हैं पर स्वेट ग्लैंड अगर चेस्ट रीजन में होते हैं तो दे आर गोइंग टू फॉर्म स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड कॉल्ड मेमोरी ग्लैंड और दूसरे ग्लैंड जो हो गए दे आर कॉल्ड गएस ग्लैंड ये भी आपको याद रखना है फिर इनकी बॉडी हमारी मैमल्स की बॉडी के अंदर स्केलेटन की अगर आप बात करो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको हमेशा याद रखना है तो जब आप स्केलेटन की बात करते हो दो तरह के आर पार्ट ऑफ योर एक्केलेटन केलेटन प्रोटीन के बने होते हैं क्लॉज तो अगर आप देखते हो बहुत सारे एनिमल्स के अंदर क्लॉज भी आपको नजर आते हैं स्पेशली फिर आपने पढ़ा होगा हॉर्न्स हॉर्स भी आपको नजर आएंगे और नेल्स तो मोस्टली ये जितने भी बने होते हैं ये सारे स्ट्रक्चर

सपोर्ट और स्ट्रक्चरल जो आपको स्केलेटन दिखाई देगा तो दैट इज गोइंग टू बी बोनी और मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब भी बोन्स की बात आप करते हो तो बोन्स आर ऑलवेज साइट ऑफ ऑफ फॉर्मेशन ब्लड सेल्स तो अगर हम अपना ब्लड देखें तो उसमें आरबीसी प्लेटलेट डब्लू आपको दिखाई देंगे तीनों की साइट का फॉर्मेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी दी बोन्स क्योंकि हमारी बोन हॉलो है उसके अंदर एक स्पेशल तरह की कैविटी है जिसको बोलते हो आप मेडुलरी कैविटी और उसी के अंदर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है इसीलिए हिमैटोपोर्टिक जो टिश्यू है हमारी बॉडी में दे आर बोन्स डन आपको मैंने बताया था कि आपको याद रखना है जब भी आप बात करते हो स्कल की तो दो ही जगह पर आपको डाईकोन्लेक्ट स्कल मिलता है एक एम्पीबियन में और मैमल्स में तो ये आपको याद रखना है कि मैमल्स के अंदर डाइकोन्को दिखाई देगा फिर डेन फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं इनकी तो डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप पढ़ते हो तो मैंने आपको बताया था कंप्लीट टाइप ऑफ एलिमेंट्री केनाल है कम्पलीट टाइप ऑफ एलिमेंट्री केनाल के साथ साथ आपको याद रखना है

आपको प्रेजेंस दिखाई देगा तो जॉ में टीथ का होना दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेंटिशन तो डेंटिस्ट जो वर्ड आया है दैट इज कमिंग फ्रॉम डेंटिशन डन तो अलग अलग तरीके की डेंटिशन आपको दिखाई देगी सो so, अब मैं तीन तरह की आपको मैमल में दिखाई देगी एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं पहली तो आसान है डाई फायोड तो डाई फायोड डेंटिशन क्या कहती है कि एक मैमल की लाइफ में दो सेट ऑफ टीथ आएंगे पहले जो टीथ आते हैं तो दे आर कॉल्ड मिल्क टीथ फिर उसके बाद जो आपको दिखाई देंगे तो दे आर कॉल्ड परमानेंट टीथ तो टू सेट्स ऑफ टीथ आपने देख लिए, तो परमानेंट टीथ और मिल्क है कि जितने भी टीथ आपको दिखाई देंगे सिंगल टूथ से लेकर लास्ट जो टूथ आपको मिलेगा तो दे आर ऑल फिटेड और इम्बेडेड इन जॉ सॉकेट तो हमारे जॉ जब डेवेलप हो रहे थे तो उसके अंदर स्पेशल तरह के सॉकेट बनते हैं जिसके अंदर वो टीथ जिसमें से ओरिजिनेट करता है तो so, ऐसा टाइप ऑफ डेंटेशन जहां पर टीथ दे आर इम्बेटेड इन जोर सॉकेट कॉल्डेशन और हेट्रोडॉन का मतलब है कि अगर आप एक ही जॉ में देखते हो तो यू आर नॉट गोइंग टू हैव वन वन टाइप ऑफ टीथ या पर्टिकुलर शेप ऑफ टीथ तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ का होना तो आपने नाम सुना होगा इन सीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर तो ये चार डिफरेंट शेप और साइजेस के टीथ है जो आपको एक ही जॉ में दिखाई देंगे तो एक ही जॉ में अलग, अलग अलग शेप और साइज के टीथ का होना इज कॉल्ड हेट्रोडोंट डेंटेशन तो so, ये आपने देख लिया तो एलिमेंट्री कैनाल हमने देख ली इनकी फिर हम इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेते हैं तो so, अगर हम इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे मैंने आपको बता ही दिया है कि इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी पल्मोनरी रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन का मतलब है रेस्पिरेशन जब करेंगे तो दे आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ लंग्स तो आप जानते ही हो लंग्स किस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं तो so, जिस कैविटी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज थोरेसिक कैविटी This is going to be called as cavity. और सभी लंग्स अगर आप राइट लंग देखो लेफ्ट लंग देखो तो दे, दे आर ऑल रेस्टिंग ओवर डायफ्राम तो जैसे जैसे डायफ्राम मूव करती है तो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है वही रेस्पिरेशन में हेल्प करता है तो आपसे पूछा जाएगा कि प्राइमरी मसल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन इन मैमल दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डायफ्राम तो मान लो किसी पेशेंट में अगर डायफ्राम एक मसल है तो मसल पैरालाइज अगर हो जाए तो इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो आपको याद रख लेना हम तब तक जिंदा है जब तक हमारी डायफ्राम पैरालाइज नहीं हो रही है डन तो तो ये तो पढ़ लिया हमने रेस्पिरेशन में फिर अगला सिस्टम देख लेते हैं सिस्टम में कार्डियोस्कुलर सिस्टम में जब आप पढ़ते हो तो फोर चैम्बर हर्ट आपको दिखाई देगा फोर चैंबर हर्ट का मतलब है कि चार चैंबर होंगे दो तो सुपीरियर चैंबर दो तो इंफीरियर चैंबर सुपीरियर चैंबर को आप एट्रिया बोलते हो इंफीरियर चैंबर को आप वेंट्रिकल बोलते हो फिर मैंने बोला है कि डबल सर्कुलेशन आपको वहां पर दिखाई देगी डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि एक ही टाइम में आपको हर्ट के अंदर दो साइड से ब्लड एंटर होता हुआ दिखाई देगा एक बार राइट एट्रिया में जिस टाइम पर आ रहा है सेम टाइम पे लेफ्ट एट्रिया में भी ब्लड आता हुआ दिखाई देगा तो एक ही टाइम में दोनों साइड में ब्लड फ्लो कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन फिर मैंने आपको बताया था पर बर्ड्स में भी आपको चार चैम्बर का हर्ट मिलेगा डबल सर्कुलेशन मिलेगी पर डिफरेंस क्या है उनके अंदर जो एयोटा होती थी वो उनके राइट हर्ट के ऊपर से मूव करती थी पर अगर आप ये देखोगे ये जो आर्टरी मैंने बनाई है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है दिस इज कॉल्ड एयोटा तो अगर हम एयोटा का अपनी बॉडी में एयोटा का कोर्स देखें तो ये बेसिकली क्या करती है लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है एंड इट इज गोइंग टू आर्च ओवर योर लेफ्ट हर्ट तो लेफ्ट हर्ट के ऊपर से यह बेंडिंग करती है तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट सिस्टमिक आर्चिंग बर्ड्स में ये राइट हर्ट के ऊपर से आर्चिंग कर लेती है तो दिस कॉल्ड राइट सिस्टमिक आर्चिंग तो इसीलिए यही दोनों डिफरेंस आपको बर्ड्स और मैमल्स में याद रखने है। तो वी तो आर लेफ्ट आर्चिंग। ये मैं लास्ट क्लास में जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बताया था और मैमल्स है अच्छा जब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो हम आरबीसी बात कर लेते हैं आज तक आरबीसी जब भी हमने पढ़ी थी वो बाई कॉन्वेक्स और न्यूक्लेटेड थी पर सिर्फ मैमल्स ही ऐसे है जिनके अंदर बाई कॉन्वेक्स नहीं है बाई कॉन्केव और इ न्यूक्लिएटेड आरबीसी आपको दिखाई देगी तो अगर आप ये शेप देख रहे हो डबल शेप जब भी आप देख रहे हो तो दिस इज कॉल्ड बाई कॉन्केव अगर हम आरबीसी को साइड से देखें तो हमें वो ऐसी दिखाई देगी इसी के बीच में आपको कोई भी न्यूक्लियस दिखाई नहीं देगा तो सारा का सारा ये क्या होगा साइटोप्लाज्म होगा और साइटोप्लाज्म में रेड कलर का जो पिगमेंट आपको दिखाई देता है जो गैसेस को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड हीमोग्लोबिन तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस ट्रांसपोर्ट जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहां पे गैसेस का ट्रांसपोर्ट जब आएगा तो वहां पर आपको हीमोग्लोबिन का रोल पढ़ना पड़ेगा सभी में और बाईक e मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन है कैमल और लामा डन लामा इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ अ कैमल जो अमेरिका में आपको मिलेगा तो कैमल और लामा के अंदर आपको बाई कॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड मिलेगी तो मैंने यहां पे लिखा नहीं है तो इसका उल्टा ही होगा तो यहां पर आप लिख लेना बाई कॉनवेक्स हो गई तो so, ये आपको याद रखना है एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको मैंने बताया था रेप्टाइल्स हो एवस हो मैमल्स हो सभी के अंदर आपको जो किडनी मिलती है दैट इज अटानेफ्रिक किडनी मेटानेफ्रिक किडनी का मतलब है कि ऐसी किडनी जो मेटानेफ्रिक डक से डेवलप होगी धन हमेशा याद रख लेना कि यहां पर मैमल्स के अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होगा ये क्या होता है एब्सेंट आपको दिखाई देगा पर अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आप लिखोगे तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है रीनल एबसेंट है तो पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट तो ये आपको याद रखना है तो ये तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन जो आपको याद रखना है फिर आगे देख लेते हैं नर्वस सिस्टम बहुत ही आसान है तो नर्वस सिस्टम जब आप देखते हो तो हमारे पास क्या है एक वेल डेवलप्ड सेरिब्रम है सेरिब्रम जो हमारे इंटेलिजेंस के लिए रिलेटेड है, है ना रीजनिंग के लिए रिलेटेड है और सेबेलम जो हमें बैलेंस और पोस्चर मेंटेनेंस में हेल्प करता है तो हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाते हैं स्पेशली हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स तो सेरिब्रम बोलो सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलो दोनों का मतलब एक ही है तो बैलेंस एंड सेलम में बैलेंस एंड पोस्चर में यहां पर लिख देता हूं तो आप सीधा बैठे हो या लेटे हो तो आपको बैलेंस बनाना पड़ता है तो बैलेंस इज ऑल ड्यू टू सेरिबेलम डन हमारे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिसफेयर है वो स्पेशल तरह के आपको नर्व बंडल से कनेक्टेड दिखाई देगा उस नर्व बंडल का नाम है कॉर्पस कैलोसम तो जब हम सेंट्रल नर्व सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको देखेंगे ठीक है साथ में जब आप ब्रेन की बात करते हो तो ब्रेन से ट्वेल्व पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आपको मैमल में दिखाई देंगी एस में भी ट्वेल्व पेयर्स था रेप्टाइल में भी ट्वेल्व पेयर्स है तो सभी जगह पर आपको ट्वेल्व पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व दिखाई देगा और इसके साथ साथ जब हम अपनी वर्टीप्रल कॉलम को देखते हैं मैमल्स तो के अंदर आपको सेवन सर्विकल वर्टिव्रीज दिखाई देगी ये तो हो गया बेसिक नर्वस सिस्टम में फिर अगर आप ईयर को पढ़ते हो आज तक आपने क्या किया था ईयर को जब पढ़ा था तो सभी जगह पर आप लिखते हो एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना एबसेंट होता है तो अभी तक पिन्ना किसी में ओरिजिनेट नहीं हुआ पर मैमल्स के अंदर बहुत सारे मैमल ऐसे भी हैं जिनमें पिन्ना प्रेजेंट है पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं तो जैसे हम पढ़ेंगे डक बिल्ड प्लेटिपस तो वो जिसको आप प्रोटोथीरियन में इंक्लूड करते हो उनके अंदर पिन्ना एबसेंट होता है तो मैंने लिखा है पिन्ना प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट अभी हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे मिडल ईयर की जब आप बात करते हो आज से पहले तो जितने भी आपने क्लासेस पढ़े थे सभी के मिडल ईयर में एक ही ऑसिकल थी देवर ऑल हैविंग व्हाट सिंगल ऑसिकल उस ऑसिकल को हम बोलते थे तो दिस वाज कॉल्ड कॉलियोमेला ऑरिस तो दिस वाज कॉल्ड कॉलियोमेला और अगर तो हम उस ऑसिकल को देखें तो दिस वॉज कॉल्ड कॉलियो मैला ए यू आर आई एस पर अगर हम अपने में देखें तो हमारे ईयर मिडल ईयर में तीन ऑसिकल्स होंगी मैलियस इनकस और स्टेपीस तो तीन ऑसिकल हमें मैमल्स के मिडल ईयर में दिखाई देंगी जिसमें से स्मॉलेस्ट बोन इन दी बॉडी ह्यूमंस की बात करें तो स्मॉलेस्ट बोन इन दी बॉडी कौन सी होगी स्टेपीस और ईयर का क्या फंक्शन होता है इनर ईयर जो हमारा है दैट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर ईयर तो जो भी आप हियरिंग कर रहे हो बैलेंस में हेल्प कर रहा है ईयर तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरनल या इनर ईयर तो अगर मैं बोल रहा हूं हियरिंग ऑपरेटस भी कहा होगा दैट इज पार्ट ऑफ इनर ईयर बैलेंसिंग ऑपरेटर भी कहा होगा दैट इज ऑल्सो दी पार्ट ऑफ योर इनर ईयर तो ये तो हमने पढ़ लिया दिस इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम फिर आगे देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं यहां पर कोई खास नहीं है बहुत आसान है तो so, जब भी आप मैमल्स पढ़ते हो तो सेक्सेस कैसे सेपरेट है यानी कि मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा तो मेल गोनेट जो होगा दैट विल बी टेस्टीज के रिलेशन में एक खास बात याद रखनी है कि जितने भी मैमल्स हैं मोस्ट ऑफ देम में दे आर नॉट पार्ट ऑफ कैविटी तो जब हम इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होते हैं तो टेस्टीज दे आर लोकेटेड इन दबडमन तो जस्ट बिफोर बर्थ क्या होता है टेस्टीज क्या करती है आउटसाइड दी दी कैविटी इन पाउच ऑफ स्किन और उस पाउच ऑफ स्किन को जब आप बोलते हो तो दैट इज कॉल्ड स्क्रॉटम तो पाउच ऑफ स्किन इज कॉल्ड स्क्रॉटम तो सभी मैमल्स में नहीं दिखाई देगा ये आपको पर कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिसमें ये नहीं दिखाई देगा पर मोस्ट ऑफ दी मैमल्स के अंदर टेस्टीज दे आर नॉट पार्ट ऑफ एबडोमल कैविटी दे आर दी पार्ट ऑफ स्क्रोटल कैविटी और सिंपली यू कैन कॉल इट ए स्क्रॉटम टन तो अगर आप एलिफेंट को देखोगे जितने भी एक्वेटिक मैमल्स हैं ये आपको याद रखना है जैसे वेल हो गई और जितने भी प्रोटोथीरियन आप पढ़ते हो इनके अंदर टेस्टिस दे आर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैबिटी तो मैं यहां पर लिख देता हूं इन सभी के अंदर टेस्टिस आर वट पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ एब डोमिनल Cavity. तो आपको याद रखना है तो दिस इज पार्ट ऑफ कैविटी डन डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन आपको हमेशा इंटरनल दिखाई देगी यानी कि मेल क्या करेगा हमेशा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर को डिपॉजिट करेगा फिर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट आपको हमेशा कैसी दिखाई देगी तो डेवलपमेंट विल बी डायरेक्ट इसका मतलब कि एग से डायरेक्टली आपको क्या नजर आएगा तो एग से आपको एडल्ट बनता हुआ दिखाई देगा बीच में कोई भी लार्वल फॉर्म आपको दिखाई नहीं देगी तो यहां से आपको एक से एडल्ट बनता हुआ दिखाई देगा अच्छा याद रख लेना तो जब भी आप पढ़ते हो तो मोस्ट ऑफ मैमल दे आर वीवी पैरस तो वीवी पैरस क्या होंगे दे गिव यहां पे दे गिव बट बर्थ टू यंग वंस ओवी पैरस कौन होते हैं जो एग लेइंग नेचर के होते हैं तो दे आर गोइंग तो टू बी ओवी पैरस पर ये कैसे वीवी वीवी पैरस पैरस सभी मैमल्स नहीं होते हैं. नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेम दी मैमल विच आर नॉट वीवी पैरस और ओवी पैरस तो जो वीवी पैरस नहीं हुआ तो ओवी पैरस हो जाएगा तो दैट एग्जाम्पल इज ऑनिथो राइनेकस ऑर्नीथो रायनेकस तो आप पढ़ोगे अभी डक बिल्ड बस तो दिस इज और नीथो रायनेकस तो आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखने हैं ये आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतनी सी चीजें याद रखनी है तो क्या बताया सेक्सेस सेपरेट होंगे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी डेवलपमेंट डायरेक्ट होगी बीवी पैरस नेचर होगा सिर्फ प्रोटोथीरियन में या फिर आपको और नीथो रायनेकस के अंदर वो दिखाई नहीं देगा तो टेस्टीज कम टू लाई आउटसाइड दी एबडोमल कैविटी सभी जगह पर एक्सेप्ट प्रोटोथीरियंस एक्वेटिक मैमल्स एंड एलिफेंट्स तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा तो अभी तक सबसे पहले हमने क्या किया मैमल्स को बेसिक फीचर देखे फिर उसका स्किन कंसिडर किया स्केलेटन देखा डाइजेस्टिव सिस्टम देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा कार्डियोस्कुलर देखा एक्सक्रीटरी देखा नर्वस सिस्टम भी देख लिया हमने और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमने उसका देख लिया फिर लास्ट में हमें क्या करना है कि क्लासिफिकेशन पर आना है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप मैमल्स पढ़ते हो तो क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट तो जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो दिस कैन बी डिवाइडेड इन सब क्लासेस तो जब आप देखते हो तो मैमल्स कैन बी टू थ्री सब क्लासेस पहले जो होंगे दे आर कॉल्ड पहले तो नाम देखते हैं दे आर कॉल्ड प्रोटोथीरियंस दूसरी जो क्लास सब क्लास है दिस इज कॉल्ड और utheria. या फिर आप मेंबर्स को बोलोगे तो मेंबर्स आर प्रोटोथिरियन मेटाथीरियन और यू डन तीसरा और भी इनके नाम है तो इनको प्रोटोथीरिया को आप बोलते हो दे आर कॉल्ड मोनोट्रीम्स दिस सब क्लास इज आल्सो नोन एज मोनोट्रीम्स या मोनोट्रेमाटा दोनों जगह पर आप देखोगे अलग अलग नाम लिखे होते हैं मेटाथीरिया कॉल्ड मार्सुपियल्स तो मार्सुपियल क्या होते हैं दे आर कॉल्ड एनिमल्स तो ऐसे एनिमल जिनके एब्डोमिनल वॉल पर एक स्पेशल तरीके का पाउच होता है जिसमें वो अपने यंग वंस की केयर कर सकते हैं डन फिर यू थीरियंस को आप बोलते हो दे आर कॉल्ड प्लेसेंटल मैमल्स तो प्लेसेंटल मैमल्स का मतलब है कि ऐसे मैमल्स जिनके एम्ब्रॉयिक जिनकी फीमेल्स में अगर इम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट हो रही है तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा तो आप जानते ही हो प्लेसेंटा क्या होता है एक स्पेशल तरीके का टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो मदर के यूट्राइन कैविटी में बनता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो जैसे ही एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो जब यंग वन ग्रो करता है तो उसके साथ साथ एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का भी फॉर्मेशन होता है विच इज कॉल्ड प्लेसेंटा और प्लेसेंटा का काम क्या होता है कि जितना भी न्यूट्रिशन यंग वन को देना है तो फ्रॉम दी मेटरनल सर्कुलेशन दिस विल एंटर इनटू दिस फीटस थ्रू दी प्लेसेंटल रीजन जितना भी वेस्ट एक फीटस को डिपॉजिट करना है मदर के ब्लड में वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है डन तो देख लेते हैं तो कौन कौन सी क्लास थी प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया और यू या फिर प्रोटोथिरियंस मैटाथीरियंस और यू जब आप मेंबर्स के बारे में बात करते हो इनका दूसरा नाम क्या था मोनोट्रीम्स मोनोट्रीम्स मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स तो ये जो मैंने आप यहां पर बनाया हुआ है तो दिस इज अ डक बिल्ड प्लेटेपस और निथो रिकस यहाँ पे लिख लेते हैं This is duck, Build. platypus. Done. तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल मार्सुपीएल में आपने कैंगरू सुना होगा मैक्रोपस जिसको बोलते हैं नन तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप पढ़ोगे इंपॉर्टेंट है फिर जब भी जो भी आपको जनरली अपने आसपास दिखाई देते हैं जैसे रैबेट हो गया पांडा हो गया बैट हो गया हॉर्स राट काओ मंकी गोरिल्ला पिग गोरिलान एलिफेंट टाइगर लॉइन हम खुद आर ऑल प्लेसेंटल मैमल्स दे आर ऑल प्लेसेंटल मैमल्स तो आप क्लासिफिकेशन में क्लास मेमेलिया कैन बी डिवाइड टू थ्री सब क्लासेस अच्छा इन तीनों सब क्लासेस में डिफरेंस क्या है वो हमें पढ़ना है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पूरे मैमल्स में आप पढ़ते हो तो so, मैंने यहाँ बॉक्स बनाया है एक तरफ प्रोटोथीरियन लिखे हैं मेटाथीरियन यू थीरियन। और यहाँ पे इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने डिस्कस किया है पहला प्रोटोथीरियन जितने भी होते हैं दे आर ऑल ओवी पैरस दे आर ऑल ओवी पैरस मैंने आपको बताया था सभी मैमल्स के अंदर बीवी पैरस नेचर नहीं होता तो अगर मार्सुपियल अगर आप देखते हो और प्लेसेंटल मैमल्स अगर आप देखते हो तो दे आर बीवी पैरस अच्छा पिन्ना की बात कर लेते हैं पिन्ना सिर्फ और सिर्फ आपको मेटाथीरियन और यूथीरियन के अंदर नजर आएगा एक ही क्लास जहां पर पिन्ना एबसेंट होगा तो दैट इज कॉल्ड मोनो डक बिल्ड प्लाटेबस और मैंने वहां पर लिखा नहीं है यहां लिख देता हूं और नीथो रायनेकस राय सी यू एस तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया और दूसरा एग्जाम्पल जब आप पढ़ते हो दैट इज ए ये दो एग्जाम्पल हैं जो मोनोट्रीम्स के अंदर आप पढ़ते हो तो इनके एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिख दिए डन अभी और एग्जाम्पल भी देख लेंगे फिर मार्सुपियल का एक एग्जाम्पल एक जब आप पढ़ते हो इज मैक्रोपस क्लासिकल एग्जाम्पल और भी है पर सभी का नाम याद करना आपके लिए जरूरी नहीं है तो जो इंपॉर्टेंट है नीट में पूछा जाता है वो देखेंगे तो मैक्रोपस में हम देखते हैं पिन्ना प्रेजेंट है और बाकी सब प्लेसेंटल प्लेसेंट्रेम के अंदर भी प्रेजेंट है एक्सेप्ट एक फॉर्म तो वेल्स को अगर आप देखोगे तो उनके अंदर आपको कोई भी पिन्ना नजर नहीं आएगा तो हम बोल सकते हैं सभी यूथीरियन में पिन्ना प्रेजेंट है एक्सेप्ट एक्वेटिक फॉर्म स्क्रॉटम की बात कर लेते हैं यहां पर एबडोमल कैविटी में ही टेस्टीज होती है तो यहां पे स्क्रोटम की जरूरत नहीं है तो आपसे पूछेगा फिर यहां पर आपको स्क्रॉटल यहां पे भी आपको स्क्रॉटम दिखाई देगा सिर्फ एलिफेंट और इक्वेटिक मैमल्स हैं जिनके अंदर टेस्टीज दे आर पार्ट ऑफ एबडोम तो आपसे बोलेगा एलिफेंट के अंदर मिलेगी तो एबडोम में एक्वेटिक में कहा मिलेगी तो एबडोम में पर बाकी जितने बचे उनमें दिखाई देगी, तो आपको याद रखना है की बात कर लेते हैं। और नीथो के अंदर, कोई भी या नाम का स्ट्रक्चर नहीं है पर इन दोनों के अंदर आपको दिखाई देगा वजाइना और यूट्रस निपल्स की बात कर लेते हैं अच्छा अगर हम बोले कि मैमरी ग्लैंड को जब भी आप देखते हो तो मैमरी ग्लैंड दे आर दे कैन बी विद नेपल्स और विदाउट नेपल मेमरी ग्लैंड तो होंगे ही होंगे पर अब हमें देखना है कि आर दे विध नेपल्स और विदाउट नेपल्स तो आपको हमेशा याद रखना है कि मेमरी ग्लैंड क्या हम सिंपली लिखते हैं नेपल्स एब्सेंट है तो मोस्टली सारी चीजें आपको प्रोटोतीरियंस में एबसेंट नजर आ रही है बाकी सब जगह पर वो प्रेजेंट होगी तो मेमरी ग्लैंड विद नेपल इन मार्सोपियल मैमल्स आपको दिखाई देंगे तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ क्लासिक बेसिक डिफ्रेंसिएशन हैं जो आपको प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया और यूथीरिया के अंदर पढ़नी थी तो आई होप ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी अच्छा हमारे को सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है वी हैव टू फोकस ओवर यूथीरियंस तो जब आप क्लास में मिलिया सब क्लास यूथीरिया देखते हो तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हैव सिक्सटीन डिफरेंट ऑर्डर्स डन एग्जाम्पल्स के नाम जो जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है वही आपको याद करना है कुछ क्लासेस में यहां पर टेक कर दूंगा उसी को आप याद रख लेना और क्लासेस याद रख या ऑर्डर को याद करने की जरूरत नहीं है तो हम देख लेते हैं तो अगर मैं बोल रहा हूं तो क्लास कौन सी थी तो क्लास अगर हम देखें तो क्लास थी मैमिलिया सब क्लास कौन सी है यू और यू सब क्लास के अंदर ऑर्डर्स कितने हैं हमारे पास ऑर्डर हमें वहां पर दिखाई देंगे तो बात कर लेते हैं यहां पर तो ऑर्डर में से सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला आपको याद करना है दैट दैट इज इज तो में आजकल ये चर्चा में भी है क्योंकि कोरोना वायरस आप देख रहे हो तो इसका एक ट्रांसमीटर या वेक्टर जो बताया जा रहा है तो दैट इज कायरोफेरा तो दैट जिसमें आप पढ़ते हो टेरोपस याद रखना विच इज बैट ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई इज बैट आपको याद रखना है तो इज दी साइंटिफिक नेम फॉर बैट किसी भी तरीके का बैट होगा तो दे आर ऑल इन कैरो टेरा डन एक तो ये हो गया दूसरा आपको याद रखना है कार्बोरा तो जिनमें नेचर आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद करना लियो लॉयन पेंथरा लियो तो सभी को याद होगा ये तो तो लॉयन का साइंटिफिक नेम है इरा लियो फिर कैट का आपको याद रखना है फेलिस डॉग का याद रखना है कैनिस डन फिर आपको याद रखना है फॉक्स का वुल पेज आपको याद रखना तो ये सारे नाम आपको याद रखने तो कैट और डॉग तो कैट इज पूरा नाम देखोगे देखोगे तो दन, dog का देखो तो फेलिस डोमेस्टिका डन डॉग का कैनिस फेलिसरिस होता है पर पे सिर्फ कैनिस लिखा है तो कैनिस लिखने आप से आपसे आपको ऑप्शन तो समझ में आ जाएगा किसके बारे में बात कर रहा है डॉग के बारे में तो ये हो गया अब दूसरा जो एग्जाम्पल आपको याद करने है तो दे आर पेरिसो डेक्टेला दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेरिसो डेक्टेला उसमें एग्जाम्पल जब आप पढ़ते हो तो दैट इज हॉर्स तो हॉर्स को अगर आप इसका कॉमन नेम देखते हो तो दिस इज कॉल्ड इक्वस दिस कॉल्ड इक्वस और राइनो तो आपको पता है राइनोसरोस राइनो सेरोस आरटीओ डेक्टिला में आता है काओ शीप गोट और पिक तो याद रख लेना सिर्फ काओ आपको याद रखना है तो काओ इज बॉस तो साइंटिफिक नेम ऑफ काओ इज बॉस फिर सिटेशिया अच्छा सिटेशिया इसलिए पूछा जाएगा क्यों वेल और डॉल्फिन आप पढ़ते हो तो डॉल्फिन के लिए डेल्फिनस वेल के लिए बेलिनो पटेरा तो वेल के लिए क्या होगा बेलिनो पटेरा एक्वेटिक मैमल्स हैं दीज आर ऑल एक्वेटिक मैमल्स अच्छा एक्वेटिक मैमल्स की अगर हम बात करें तो एक्वेटिक मैमल्स में क्या था टेस्टिस कहां थी एबडोम में तो टेस्टीज कहा है एबडोमन में तो so, याद रखना है आपको तो so वेल और डॉल्फिन बेलिनोप्टेरा और डेल्फिनस प्रोबोसीडिया देख लेते हैं प्रोबोसीडिया में ये दो एग्जाम्पल याद करने क्यों है क्योंकि दीज आर एक्सेप्शन टू सम ऑफ समी फीचर्स इन प्लेसेंटल मैमल्स एलिफेंट तो एलिफेंट में भी टेस्टीज कैसी है इंट्रा एबडोमिनल तो यहां पे लिख देता हूं टेस्टिस इज इंट्रा एबडोमल एबडामन में फिर एलिफेंट हो गया एलिफास रोडेंशिया याद कर लेना तो रोडेंशिया में रोडेंट्स आते हैं तो कॉमनली क्या गया स्क्विरल रैट भी इसी में आएगा जिसको आप बोलते हो आर एग्जाम्पल्स ऑफ रोडेंट्स तो दीज आर लेगो अगर आपने याद रख सकते हो तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं तो ऑल दी आर इंक्लूडेड रैबिट हो गया हेयर हो गया तो दे आर ऑल इंक्लूडेड इन लेगो पर चार अगर आपको याद रखनी हो तो ऑलवेज रिमेंबर का डन सिटेशिया, प्रोबोसीडिया एंड डन तो ये आपको चार आर्टियोडेक्टिला भी याद रख लेना तो ये पांच अगर आप याद कर पाओ तो दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डन तो ये छोटा सा क्लास था जो आपको याद करना था तो दिस इज ऑल अबाउट मैमल्स तो इसके साथ ही क्या है हमारा एनिमल किंगडम का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है एनिमल किंगडम बहुत लंबा टॉपिक है बहुत सारी क्लासेस आपने इसकी अटेंड करी हैं, ठीक है कांस्टेंट रिवीजन से ही आप इसके एग्जांपल्स को याद कर पाओगे मैंने आपको पहले ही बताया हर जगह पर एनिमल किंगडम में सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स, दूसरा जनरल कैरेक्टर्स तीसरा अगर आप देखोगे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो एक ही पर्टिकुलर फाइलम या क्लास में आपको मिलेंगे फिर लास्ट में जाकर आपको हर फाइलम में या हर क्लास के अंदर जहां पर भी लार्वा है, वो आपको जरूर याद करना है डन तो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल किंगडम वी आर फिनिशिंग विद दिस टॉपिक हेयर नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे तो विल बी पिकिंग अप अ न्यू यूनिट डन विल बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम स्क्रैच फिर उसको देखेंगे हम आगे डन सो दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू गाइज